गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जीके में लेसन 6 पढ़ेंगे, हेल्दी लंच बॉक्स। ठीक है, हेल्दी लंच बॉक्स मतलब हमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ बनी रहे, ठीक है, हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो लंच बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स में बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन सभी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन सभी वेजिटेबल्स का नाम बताना है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज, देखो फर्स्ट क्या है आपका, दिख रहा है ये रेड रेड, तो फर्स्ट क्या है, टोमेटो। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, TOMATO। ठीक है, फर्स्ट इज क्या, टोमेटो लिख लिया सभी ने। फिर सेकंड है आपका, देखो सेकंड क्या है, ये आपका सेकंड है, सेकंड क्या है, रेडिश, RADDISH। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, RADDISH। ठीक है, फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड किसको पॉइंट कर रहा है, ये देखो थर्ड क्या है, थर्ड है आपका, जल्दी बताओ क्या है, थर्ड है ऑनियन। ठीक है, ONION, अनियन। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, देखो फोर्थ किसको पॉइंट कर रहा है, ये देखो खीरा है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूकम्बर। ठीक है, CUCUMBER। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, थर्ड और फोर्थ नोट कर लिया ना। अब फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ किसको पॉइंट कर रहा है, ये है फिफ्थ, फिफ्थ क्या है जल्दी बताओ, फिफ्थ है आपका डेट। ठीक है, DATE, डेट। फिर सिक्स किसको पॉइंट कर रहा है, ये देखो सिक्स था आपका लेमन, LEMO, यहाँ लिख देते हूँ M के बाद ON। ठीक है, लेमन। ठीक है, फिर सेवन किसको पॉइंट कर रहा है, देखो सेवन है आपका, पता है किसी को, सेवेंथ है आपका पोमेग्रेनेट। ठीक है, दिख रहा है ना पिक्चर में, POMEGRANATE। ठीक है, ये है पोमेग्रेनेट स्पेलिंग। उसके बाद एट्थ क्या है, एट्थ है हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, ये मशरूम है ना, तो एट्थ इज MUSHROOM, मशरूम। और नाइन्थ क्या है हमारा, नाइन्थ है जैक फ्रूट। ठीक है, ये है हमारा नाइन्थ, JACK, एक साथ लिखेंगे आप लोग, FR, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मैं नीचे लिखती हूँ, आप एक साथ लिखेंगे, जैक फ्रूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेसन 6। अब लेसन 7 क्या है देखते हैं, फैदर्ड फ्रेंड्स। ठीक है, फैदर्ड मतलब, फैदर मतलब होता है पंख। ठीक है, तो आज हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, जितने भी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव बीक एंड विंग्स। ठीक है, तो बर्ड्स भी क्या है, एक ऐसे एनिमल है, बर्ड्स भी एनिमल होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका क्या होता है, बीक मतलब चोंच होती है और विंग मतलब पंख होते हैं। ठीक है, बर्ड्स भी क्या है, एनिमल है। तो हमको बहुत सारे एनिमल्स के यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं और उनके बारे में लिख दिया हुआ है। ठीक है, हमको उसको पहचानना है और नाम लिखना है। फर्स्ट इज, आई कैन जंप एज हाई एज 6 feet इन द एयर। ठीक है, मतलब मैं हवा में 6 feet हाइट तक जंप कर सकता हूँ। तो ये कौन है पिक्चर में, देखो कौन दिख रहा है, पेंगुइन। ठीक है, तो स्पेलिंग लिखेंगे PENGUIN, पेंगुइन। ठीक है, सेकंड देखो,
इट इज़ अ टॉकिंग बर्ड दैट यूजुअली स्लीप्स ऑन वन लेग. ठीक है, ये बात करने वाला बर्ड है जो एक पैर पे ही सो जाता है. ठीक है, तो ये कौन है पिक्चर में देखो, पैरेट. तो यहाँ पे लिख देते हैं PARROT. ठीक है, थर्ड देखो, इट कैन ऑलमोस्ट टर्न इट्स हेड इन अ कंप्लीट सर्कल. ये अपना सर पूरा गोल घुमा सकता है. ठीक है, एक सर्कल बना सकता है अपना सर घुमा के. तो ये कौन है सभी को पता है, आउल. ठीक है, OWL. फिर फोर देखो, इट कैन ईट ओनली व्हेन इट्स हेड इज़ अपसाइड डाउन. ये सिर्फ तभी खा सकता है जब इसका सर नीचे हो. ठीक है, देख रहे हो ना इसकी गर्दन कितनी ऊंची है, तो अगर ऊपर रखेगा तो ये नहीं खा पाएगा. ठीक है, तो ये कौन है, ये है आपका फ्लेमिंगो. ठीक है, तो स्पेलिंग लिखना FLAMINGO, फ्लेमिंगो. ठीक है, फिफ्थ है, इट कैन रन वेरी फास्ट. ये बहुत फास्ट दौड़ सकता है. तो ये कौन है, ऑस्ट्रिच. ठीक है, OSTRICH, ऑस्ट्रिच. ठीक है, स्पेलिंग नीचे लिखी हुई है, आप लोग देख लेना, करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे सभी. फिर सिक्स्थ क्या है, इट कैन फ्लाई अंडर वाटर. ठीक है, ये पानी के अंदर भी फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है. तो ये कौन है, ये है आपका पफिन. ठीक है, PUFFIN. ठीक है, और लास्ट इज, इट हैज़ वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. इसके जो पैर होते हैं वो जाल के जैसे होते हैं. ठीक है, जिससे ये पानी में इजीली तैर सकता है. तो ये कौन है, लास्ट हमारा क्या बच्चा, डक. DUCK. ठीक है.